हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2019, तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से ले आया हूं डेली करंट अफेयर वीडियो। तो चलिए उत्तराखंड के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव कब होंगे? तो जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेके अधिसूचना जारी हो गई है। अब उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। इसके लिए अधिसूचना कल जारी कर दी गई है। पहले चरण का मतदान 6 अक्टूबर से, दूसरे चरण का मतदान 11 अक्टूबर से और तीसरे चरण का मतदान 16 अक्टूबर को होगा। साथ में जो नामांकन प्रक्रिया है वह 20 सितंबर से होगी, मतगणना 21 अक्टूबर को होगी। मैं आपको बता दूं कि इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थोड़ा सा विशेष है, क्योंकि इस बार कुछ नए नियम लागू हैं जिसमें दो से ज्यादा बच्चों वाले दावेदार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और विभिन्न पदों के लिए पहली बार उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित कर दी गई है। कुछ पदों के लिए 8वीं और कुछ के लिए आपका 10वीं रखी गई है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्री अनूप बिष्ट जी कौन है? अनूप बिष्ट जी एक एथलेटिक्स कोच हैं जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में एथलेटिक्स कोच हैं। इनका नाम अभी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड के करंट अफेयर इतने ही हैं। हम चलते हैं अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में ऑड इवन स्कीम को 4 नवंबर से 15 नवंबर की अवधि में लागू किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने बताया कि फसल जलने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 7 सूत्रीय कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें ऑड इवन भी एक आपकी कार्य योजना है। ऑड इवन, दोस्तों आपको पता होगा कि ऑड इवन स्कीम होती क्या है। ऑड इवन स्कीम के तहत कुछ दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलती हैं और एक दिन आपके इवन नंबर की गाड़ी चलती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है? तो 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की है। उन्होंने यह घोषणा रांची झारखंड में की। उन्होंने बताया कि जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इसमें लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर उसे न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत और थाईलैंड के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। यह सैन्य अभ्यास 16 सितंबर से 29 सितंबर तक मेघालय के उमरोई में फॉरेन ट्रेनिंग मोड में किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के 50-50 सैनिक हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य अपने अपने देशों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों को साझा करना है। मैं आपको बता दूं कि साल 2006 से यह अभ्यास मैत्री एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कभी थाईलैंड में कभी भारत में आयोजित किया जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय थल सेना हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम में पहले एकीकृत युद्ध समूह के साथ किस प्रमुख अभ्यास का आयोजन करने जा रही है? तो भारतीय थल सेना हिम विजय अभ्यास का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए पर्वतीय सैन्य इकाई माउंटेन कॉर्प्स को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक यूनिट एकीकृत युद्ध समूह का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य युद्धाभ्यास को अधिक प्रभावी बनाना है। इसमें भारतीय वायुसेना सैनिकों और उपकरणों के साथ साथ अंतरघाटी हस्तांतरण के लिए भी इस अभ्यास में भाग लेगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने अंतरिक्ष में पहली बार भेजे अपने ह्यूमनॉइड इंसान जैसे रोबोट फेडोर की सेवा समाप्त कर दी है? तो जी हाँ, यह है रूस। रूस ने जो ह्यूमनॉइड है रोबोट फेडोर, उसकी सेवा समाप्त कर दी है। 22 अगस्त को लॉन्च हुए सोयुज MS-14 स्पेस क्राफ्ट के जरिए उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यह रोबोट भेजा था, जहां पर इसका कार्य इंसानों की तरह काम करना था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने वन लाइनर की तरफ। भारत के अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली
पेविलियन स्टैंड बनाया जा रहा है। तो विराट कोहली को सम्मान देने के लिए यह पेविलियन स्टैंड बनाया जा रहा है अरुण जेटली स्टेडियम। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है और इसका पुराना नाम क्या था। हमारा अगला वन लाइनर है, हीरो मोटोकॉर्प के सीएमडी डॉक्टर पवन मुंजाल को 2019 एशिया पैसिफिक गोल्ड हॉल ऑफ फेम चुना गया है। हमारा अगला वन लाइनर है, प्रसिद्ध उड़िया लेखक डॉक्टर प्रदीप दास को सरला पुरस्कार के लिए चुना जा रहा है। सरला पुरस्कार उड़ीसा का एक सम्मानित पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार चारू चीवर और चरिया नामक कविता के लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में पहले फन जोन को लॉन्च किया है। इस फन जोन में वीडियो शूटिंग तथा अन्य इंडोर गेम्स उपलब्ध होंगे। हमारा लास्ट वन लाइनर है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में जीवन कौशल नामक पाठ्यक्रम को लॉन्च किया है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा तैयार किया गया है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यदि आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और भविष्य में ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों एक ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।